नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, कच्चे तेल के दाम गिरे, कस्टमर कंपनी दोनों को फायदा। धर्मांतरण कराया तो खैर नहीं, मिलेगी 10 साल तक की सजा, उत्तराखंड में विधेयक पेश। सावधान, कोरोना का खतरा टला नहीं, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बढ़ रहे केस। रोजगार की जगह दिया जा रहा जहर, राहुल बोले ड्राई स्टेट गुजरात में है बीजेपी का मॉडल। पीएफआई पर प्रतिबंध जारी रहेगा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ेगा सरकार का नया नियम, मनमानी पर लगेगी रोक। अब पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की कुंडली खोज निकालती है बीएसएफ, सर्विलांस के लिए लगाए गए 5000 कैमरे। शाह बोले गुजरात में आपका खाता नहीं खुलेगा, कहा हमारा मुकाबला कांग्रेस से, लेकिन उसकी हालत खस्ता, भाजपा ही सरकार बनाएगी। वायु प्रदूषण से एक साल में 16 लाख भारतीयों की हुई मौत, बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर। चीन कर रहा एटमी हमले की तैयारी, 2035 तक होंगे 1500 न्यूक्लियर हथियार। बीजेपी को मिला कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा चंदा, भाजपा को 2021-22 में मिले 614 करोड़ रुपए, कांग्रेस को महज 95 करोड़। टू फिंगर टेस्ट पर रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा या रेप पीड़िता पर दोबारा आघात, ऐसा करने पर चलेगा मुकदमा। बिहार, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए नीतीश सरकार का एक्शन प्लान, लागू होंगे कई कठोर फैसले। पीएम मोदी की गुजरात में धुआंधार रैलियां, 2 दिनों में करेंगे 7 जनसभाएं, अहमदाबाद में मेगा रोड शो भी होगा। गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी। उत्तराखंड महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देगी सरकार, सदन में पेश हुआ बिल। अब असम राज्य में मिले 12 लाख अपात्र किसान, अधिकारियों के ऊपर गिरेगी गाज। देश के कानून से ऊपर नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ, 15 की उम्र में लड़की की शादी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अमान्य ठहराया। सिसोदिया ने कई बार बदले फोन और मिटाए सबूत, शराब घोटाले में ईडी का बड़ा आरोप। भोपाल पहुंची वित्त मंत्री सीतारमन का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के जमाने में मुर्दों को मिलता था पैसा। खुशखबरी, गुजरात सरकार ने 630 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, 8 लाख किसानों को होगा फायदा। भारत ने टूटे और ऑर्गेनिक नॉन बासमती चावल के निर्यात से रोक हटाई, 150 देशों ने ली राहत की सांस। नई तकनीकी का विकास कर रहा ट्राई, परेशान करने वाले कॉल और मैसेज का लगाएगी पता। रूस ने अब एचआईवी पॉजिटिव कैदियों को जंग की आग में झोंका, हार के डर से तिलमिला उठे पुतिन। मेघालय अब असम से लगी सीमा पर बनाएगा 7 पुलिस चौकियां, प्रदेश कैबिनेट ने निर्माण को दी मंजूरी। 25,000 बिजली बिल के साथ गुजरात पहुंचे मान, पंजाब सीएम ने कहा 61 लाख से अधिक घरों का बिजली बिल जीरो आया। 4 विधायकों को 100 करोड़ ऑफर हुआ, तेलंगाना के सीएम का आरोप, दिल्ली के दलाल हमारे एमएलए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आम बजट में कृषि आयात घटाने और निर्यात पर होगा जोर, पीएलआई की तर्ज पर आ सकती है नई स्कीम। हिजाब विवाद, कर्नाटक वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मुस्लिम महिलाओं के लिए खुलेगा कॉलेज। दिल्ली एम्स ने दी राहत, मुफ्त में होगा ओपीडी का रजिस्ट्रेशन और 300 रुपए तक जांच भी होगी फ्री। बीजेपी की साख और विश्वसनीयता बढ़ी, खड़गे का बयान कांग्रेस नेतृत्व की सोच, राजनाथ सिंह। हिंदी क्षेत्रीय भाषा में हो मेडिकल, टेक्नोलॉजी और लॉ की पढ़ाई, नहीं तो 95% टैलेंट बर्बाद, शाह। भारत में 10 साल में 2 गुना महंगा हो गया डॉक्टर नर्स बनना, यूरोप अमेरिका में सस्ता। आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी ने जारी की 200 करोड़ की इनपुट सब्सिडी, सीधे 8.68 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। चीन के खड़े किए संकट को दूर करेगा टाटा, 5,000 करोड़ से कम होगी एप्पल वाली मुसीबत। भारतीय वैज्ञानिक का कमाल, ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जो ब्रेस्ट कैंसर की पहचान आसान करेगा, फॉलो अप ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आतंक को बढ़ावा देती है कांग्रेस, 20 साल पहले राम भक्तों की दी बलि, गोधरा में गरजे योगी। ब्रिटेन में ईसाई खोजते रह जाओगे, 10 साल में 44% बढ़ी मुस्लिम आबादी, चौंकाने वाले आंकड़े। मदरसों को नहीं है सरकारी मदद की जरूरत, सिलेबस में नहीं होगा बदलाव, मौलाना अरशद मदनी। छत्तीसगढ़ में 12 सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, अब 45 हेक्टेयर जमीन को मिलेगा पानी।
बर्फीली झील में दवा मिला 48,500 साल पुराना जोम्बी वायरस इंसानों के लिए बन सकता है खतरा। पूरी दुनिया में महंगाई से हाहाकार, यूरोप के 19 देशों में 10% से ऊपर पहुंची दर। मंडाविया बोले, मोदी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के मिल रहे परिणाम, मातृ मृत्यु अनुपात में भारी गिरावट। आवारा पशुओं को लेकर किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब आवारा पशुओं को पकड़कर गौ संरक्षण केंद्रों में डाला जाएगा। देश में तेजी से फैल रहा XBB वेरिएंट, अब तक 380 केस सामने आए, कोविड की नई लहर का खतरा बढ़ा। वंदे भारत ट्रेनों में सोकर भी यात्रा करना होगा संभव, ज्यादा सुविधाओं से लैस होगा नया वर्जन। दूसरी तिमाही में 6.3% रहा GDP ग्रोथ, चालू वित्त वर्ष में मिल सकती है 7% की विकास दर। मध्य प्रदेश में CM शिवराज की मेहनत लाई रंग, 45 दिन में CM जनसेवा अभियान से जुड़े गए 81 लाख नए हितग्राही। गुजरात चुनाव ओपिनियन पोल, दहाई का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के लिए दूर की कौड़ी, BJP को 70, कांग्रेस की 50। व्हाट्सएप ने अक्टूबर में बैन किए 23 लाख से अधिक अकाउंट, यूजर्स की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रस्तावित डिजिटल विश्वविद्यालय पर भारत ही नहीं दुनिया की भी है नजरें, जुलाई 2023 से हो सकती है शुरुआत। पंजाब की राजनीति में सिद्धू फैक्टर असरदार, नवजोत को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी पर कांग्रेस में हलचल तेज, मिशन 2024 टारगेट। गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को बेहद मजबूत मानते हैं राहुल गांधी, बोले हवाई किले खड़े कर रहे केजरीवाल। एयरपोर्ट से 2100 मीटर क्षेत्र तक नहीं मिलेगी 5G सुविधा, दूरसंचार विभाग का नया आदेश। GM सरसों के फील्ड ट्रायल का याचिकाकर्ताओं ने किया विरोध, बताया सेहत और अन्य फसलों के लिए हानिकारक। मुख्य चुनाव आयुक्त ने फेक न्यूज को रोकने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से की अपील, कहा निभाए सक्रिय भूमिका। CM नीतीश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगी दर पर बिहार को दी जा रही बिजली। कोहरे की वजह से अगले 2 महीने कई ट्रेन होगी प्रभावित, रेल प्रशासन ने जारी की सूचना। गड्ढा मुक्त अभियान, CM योगी के अल्टीमेटम के बाद एक्शन में मंत्री जितिन प्रसाद, PWD कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हम एक हैं, गहलोत पायलट की एकता दिखाने पर BJP ने कांग्रेस का उड़ाया मजाक, कहा यह एक राजनीतिक ब्रेक है। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 14 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, कच्चे तेल के दाम गिरे कस्टमर कंपनी दोनों को फायदा। जी हाँ, कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है, अभी $81 से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। खास तौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल रह गई है। मार्च में $112.8 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनरी कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 कम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 14 रुपए प्रति लीटर तक कम होने चाहिए। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक पूरी कटौती एक बार में नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार, एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए नीतीश सरकार का एक्शन प्लान, लागू होंगे कई कठोर फैसले। जी हाँ, बिहार में इस साल वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए हवा की गुणवत्ता के सुधार के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। इसे लेकर वायु प्रदूषित करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की भी योजना बनाई गई है। पटना, मुजफ्फरपुर और गया को छोड़कर 25 जिलों में कार्य योजना लागू होगी। विस्तृत कार्य योजना अगले वर्ष मई में लागू होगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक प्रदेश के ऐसे शहरों की मॉनिटरिंग की जा रही है जहां 100 से अधिक AQI है। इन शहरों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसकी लगातार निगरानी कर रहा है। पर्यावरण संबंधी कानून को लागू करने के लिए 1 वर्ष का डेटा जरूरी है। तैयार कार्य योजना के मुताबिक 300 से 400 AQI वाले शहरों में ट्रक प्रवेश पर रोक, पार्किंग शुल्क बढ़ाना, डीजल सेट पर रोक तक शामिल है। इसके अलावा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई करने की योजना है। धर्मांतरण कराया तो खैर नहीं, मिलेगी 10 साल तक की सजा, उत्तराखंड में विधेयक पेश।
जी हाँ, उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के दोषियों के लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यहां शुरू हुए 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पेश किया। संशोधित मसौदे के अनुसार अपराध करने वाले को कम से कम 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है, जो पीड़ित को दिया जाएगा। विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन की कुंडली खोज निकालती है BSF। सर्विलांस के लिए लगाए गए 5000 कैमरे। जी हां, सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा पाकिस्तान से घातक हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स लेकर आ रहे ड्रोन को अपनी देसी तकनीक के जरिए मार गिराया जाता है। इस साल अभी तक 16 ड्रोन मार गिराए गए हैं। 2 दिन पहले BSF की महिला प्रहरियों ने एक विशाल ड्रोन को मार गिराया था। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन सुबह 2 से 4 बजे के बीच भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन सीमा प्रहरियों की सजगता के चलते उन्हें वहीं पर गिरा दिया जाता है। ड्रोन कहां से आता है, कब और कहां पर उतरना होता है, ये सारे सूचनाएं BSF की जवाब तकनीकी टीम अपने सिस्टम से ही पता लगा लेती है। ड्रोन में लगी चिप से कई राज खुल जाते हैं। इसी चिप से मिली जानकारी की मदद से पंजाब में नशे की तस्करी में शामिल 8 लोग पकड़े गए थे। BSF द्वारा बहुत ही कम कीमत और स्वदेशी तकनीक पर तैयार उपकरणों की मदद से बॉर्डर सर्विलांस का काम किया जा रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।